नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम। एक खबर जो चर्चा का विषय बनी, सीएलटीसी पर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कराया जाएगा तिकरमन मुक्त, शशि कुमार नगर अध्यक्ष का ये कहना है और ये खबर अखबार में छपी। नगर पंचायत हुसैनाबाद कार्यालय के बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिए गए। कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद परवेज के आने के बाद ये पहली बैठक बताई गई। वार्ड पार्षदों के द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सहित कई मुद्दों पर नाराजगी जताई गई, मगर सच यह है कि 3 वर्षों से किसी भी योग रखने वाले परिवार को आवास मिला है या नहीं ये जग जाहिर। जुमलेबाजी होती रही है, वार्ड पार्षद विरोध करते दिखाई देते रहे और अन्य संबंधित राजनीतिक या अधिकारी एक दूसरे पर कारण दिखाकर इनके पास से उनके पास गेंद फेंकते रहे। सबसे बड़ी बात निर्णय में ये रही कि नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने एवं बाजार तथा अन्य क्षेत्रों में तेजी से जो अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया है उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है। और इस खबर को लेकर लोग उलझते भी दिखाई दिए अम्बेडकर चौक की टी स्टॉल। आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ, जब लोगों ने यह खबर पढ़ा तो लोगों में बहस छिड़ गई और बहस में ये बातें उभर कर सामने आने लगी। कुछ लोग इस निर्णय को अतिक्रमण हटाने के नाम पर अवैध वसूली करने की बात कहते थे, तो कहीं कुछ लोग ये भी कहते दिखे कि पैसा पहुंच जाएगा और अवैध वैध हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग नगर अध्यक्ष के प्रति ये भी कहते दिखे कि शशि जी अतिक्रमण रोकने के लिए प्रयासरत हमेशा से दिखे हैं, और एक हवाला भी वो देते दिखे कि बल्ली सिंह जो नगर पंचायत के पीछे यूं कह लें कि गर्ल्स हाई स्कूल के बगल में जो बल्ली सिंह ने एक मकान बनाना शुरू किया था, तो नगर अध्यक्ष शशि कुमार ने उसका घोर आंदोलन के रूप में यूं कहें कि बैठ करके धरना प्रदर्शन करके उस अतिक्रमण को रोकने की कोशिश की थी। घर अभी नहीं बना है, मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इस बात का चर्चा वहीं नहीं रुकी। इसके जवाब में अपोजिशन वाले लोगों ने बोला कि जो पूर्व सैनिकों ने बल्ली सिंह से ज्यादा जमीन को घेर लिया है उस पर नगर अध्यक्ष नहीं दिखे बोलते हुए कभी। अब ये तो जांच का विषय है कैसे पूर्व सैनिक ने उसको घेरा है, एनओसी लिया है नहीं लिया है, किस प्रकार से उन्होंने उनको जमीन का अपने क्षेत्र सीमा में लिया, ये तो जांच का विषय है। और जो लिखता है मैं उसको बताता चलूं कि नगर प्रबंधक राकेश कुमार सिंह को नोडल पदाधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार महात्मा गांधी विवाह मंडप का जीर्णोद्धार एवं देवरी सोन नदी के पास पानी सप्लाई की पूर्ण देख रेख संबंधित भी कई निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि से शहर में प्रमुख नाला की पानी की निकासी की भी बात को उठाया गया है और इसको पारित किया गया है। के साथ साथ कई छोटी बड़ी नालियों के निर्माण के लिए प्रपोजल भेजा गया है। अब देखना है आने वाले वक्त में क्या होता है और कितना अतिक्रमण हो पाता है और कितना विकास। लोगों में जो चर्चा थी वो मैंने आपके सामने रखी, आने वाली चर्चाओं को भी आप